तो ये है हमारी आज की डिश, मैंगो ट्रेस लेचे। है ना, बहुत ही टेम्पटिंग और बनाने में भी उतनी ही आसान है। वेलकम बैक टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। इसके लिए सबसे पहले एक 5 इंच के टिन में वैनिला स्पॉन्ज बेक करने के लिए डाल दीजिए आप। फिर एक पका हुआ आम लेने का है, उसको फिर अच्छे से प्यूरी करना है। 1 कप प्यूरी चाहिए हमें, मैंगो प्यूरी, जिसको हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करेंगे, बस मीडियम फ्लेम पे। इसमें हम डालेंगे 1/4 कप शुगर और इसको ट्रांसलूसेंट होने देंगे। ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इसकी पतली हो जाएगी, तो ये रेडी है। ये बस ऐसा ही चाहिए हमें, थोड़ा सा पतला और थोड़ा सा मीठा। ये तो ऐसे ही खाने में बहुत स्वाद आता है। फिर आप सोचिए केक के साथ इसी कॉम्बिनेशन कैसी बैठेगी, बहुत ही स्वाद लगेगा ये खाने में। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल। अब एक दूसरे बाउल में हम लेंगे दूध 1 कप, 1/2 कप अपना मैंगो प्यूरी जो हमने रेडी किया था, उसके अंदर डालेंगे हम 1/4 कप मिल्क मेड, 1/4 कप क्रीम, फ्रेश क्रीम, ये अमूल का, और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई चीनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि हमने मैंगो प्यूरी में भी चीनी डाला था और मिल्क मेड तो ऑलरेडी मीठा होता है। तो ये अच्छे से मिक्स करके इसको हम रेडी करके किनारे रख लेंगे। तब तक मेरा स्पॉन्ज भी रेडी हो गया है, और स्पॉन्ज मैंने ना 5 इंच की टिन में बनाया था, इसको मैंने अब 6 इंच की टिन में लिया है, सस्ता कि साइड में थोड़ा सा गैप हो और ये लिक्विड इसके अंदर जाके अच्छे से सोक हो जाए। इसको ऊपर से या तो फॉक से छेद कर दीजिए या फिर टूथपिक से, और साथ में 1 कप लिक्विड डाल दीजिए, ये जो मिक्सचर हमने बनाया है ना वो, और इसको फिर हम फ्रिज में डाल देंगे सेट होने के लिए अराउंड 1/2 आवर के लिए, तब तक ये अच्छे से सोक हो जाएगा। और ये बचा हुआ लिक्विड हम रखेंगे अपने पास, जब हम खाएंगे ना तब साथ में सर्व करेंगे इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आधे घंटे के बाद ये सेट हो चुका है, बहुत सारा लिक्विड अब्जॉर्ब भी हो गया है इसके अंदर। अब अपने व्हिपिंग क्रीम को लेके हम उसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे, जितना हम केक के लिए व्हिप करते हैं ना बिल्कुल उतना ही। ऊपर हम इसके ऊपर एक लेयर डालेंगे, आप चाहें तो कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे तो प्लेन ऐसे ही कोई लेयर फैला सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मैंने इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद हम वो जो मैंगो प्यूरी रेडी का किया था ना हमने, वो हम डालेंगे एक पाइपिंग बैग में, और इसके ऊपर हम उसको डेकोरेट कर देंगे उस मैंगो प्यूरी से। फिर हम गार्निश करेंगे इसको मैंगो पीसेस से, ऊपर एक चेरी डालेंगे, साथ में कुछ पुदीने के पत्ते, आपकी मर्ज़ी। आप उसमें पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, चेरीज़, टूटी फ्रूटी, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी इसको डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। है ना, ये बिल्कुल ईजी सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। आजकल मैंगो का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी मुझे पता है बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ईजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और फॉलो कर लीजिएगा मेरे पेज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।